वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लेक्चर में आज 66 से लेकर के हम 70 तक कंप्लीट करेंगे। पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा। व्हाइट कॉलर पीपल पहला होगा, व्हाइट कॉलर पीपल हिंदी इसकी दो होगी, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले सफेद पोस्ट लोग, दो हिंदी है, दोनों एक ही मतलब है। ऑफिस में बैठकर जो काम करते हैं उसे सफेद पोस्ट कहते हैं, तो दूसरा भी लिख दिया। नाउ अप टू द मार्क एंड हिंदी इसकी होगी योग्यता के अनुरूप, अप टू द मार्क की हिंदी होगी योग्यता के अनुरूप। फिर यूटोपियन स्कीम, इसको यूटोपियन बोलते हैं, यूटोपियन इसका हिंदी होता है काल्पनिक योजना। उसके बाद है थ्री आर्स, थ्री आर्स का मतलब पढ़ना लिखना। थ्री आर्स में होता है रीड, राइट एंड अरिथमेटिक, ये शामिल है। थ्री आर्ट्स को कहते हैं रीड, राइट एंड अरिथमेटिक, हिंदी होगी पढ़ना लिखना, यह एक idiom होगा। फिर है हसल बसल, यहाँ पे टी साइलेंट, इधर भी टी साइलेंट होता है, तो इसे कहते हैं हसल और बसल। हसल बसल की जो हिंदी होती है, हसल की बसल की, वैसी ही हिंदी यहाँ पे धक्का मुक्का, जब बहुत भीड़ होती है वहां पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कहीं किसी अन्य डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर धक्का देना पड़ता है, लोग भी धक्का देते हैं आपको, धक्का मुक्का बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलेंगे हसल बसल। नाउ व्हाइट कलर पीपल, ऑफिस में बैठ कर काम करने वाले लोग, सफेद पोश लोग। व्हाइट कलर पीपल क्यों कहते हैं ऑफिस में बैठ काम करने वालों को, क्योंकि उनका जो ड्रेस होता है, ड्रेस में व्हाइट शर्ट टाई रहती है उसके ऊपर, फिर कोट होता है, फिर सूज होता है, तो वो जो प्रॉपरली अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं तो उनका कॉलर बहुत विजुअल होता है और व्हाइट दिखता है, व्हाइट होता ही शर्ट है, तो इसलिए उनको नाम दिया गया व्हाइट कॉलर पीपल। और ऐसे लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। एक होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कॉलर पीपल, तो इनको बोलते हैं मजदूर, जो मजदूर खुदाई करते हैं, जो मजदूर मुश्किल कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्राउन कलर पीपल। तो ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग, सफेद पोश लोग को व्हाइट कलर पीपल क्यों कहते हैं देख लिया आपने। अप टू द मार्क मतलब योग्यता के अनुरूप, जैसे एलिजिबिलिटी होती है किसी एग्जाम की, कि एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, मैक्सिमम एज हो गया 25 ईयर्स, हाइट होनी चाहिए 165 cm। तो अब क्या करेगा, एक बार लगा देगा और आप यहाँ पे हाइट हो गई 165, आपको खड़ा करेगा और आप अगर इस बार इस हाइट को टच करें या उससे ऊपर हुए तो बोलेगा कि आपका आपकी हाइट अप टू द मार्क है। दूसरा, किसी एंट्रेंस एग्जाम में उसका होता है पासिंग परसेंटेज होता है, अगर आपने 60% स्कोर कर लिया तो आपको एडमिशन मिलता है जिस एंट्रेंस एग्जाम का आपने एग्जाम दिया हुआ है। तो इस 60% को क्या बोलेंगे, अप टू द मार्क, योग्यता के अनुरूप। जो एक लिमिट होती है अपर लिमिट, उस अपर लिमिट को मैच करना होता है, उसे बोलते हैं अप टू द मार्क। जैसे पहला का मैंने हिंदी नहीं बताया सेंटेंस का, व्हाइट कलर पीपल आर पॉलिसी मेकर्स, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग या सफेद पोश नीति निर्माता होते हैं, पॉलिसी मेकर्स मतलब नीति निर्माता। दूसरा अप टू द मार्क योग्यता के अनुरूप का सेंटेंस होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप टू द मार्क इन द एग्जामिनेशन, अधिकतर विद्यार्थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब अधिकतर विद्यार्थी, आर हैं अप टू द मार्क मतलब योग्यता के अनुरूप हैं इन द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, प्रवेश परीक्षा में, तो हिंदी हो गई। अब यूटोपियन स्कीम, काल्पनिक योजना। यूटोपियन एक्चुअली ना, ये जो शब्द जब ये जनरेट हुआ था, हमारे देश का तो नहीं है, तो इसका मतलब हुआ था परफेक्ट, परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि कोई भी स्कीम, जैसे किसी किसी विलेज को परफेक्ट करना है कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, चाहे कोई प्लानिंग इतनी परफेक्ट कि वो उतना परफेक्ट रीच ही नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली इस यूटोपियन का मतलब परफेक्ट न करके इसको काल्पनिक कर दिया गया, और इसलिए इसकी हिंदी अब इज होती है यूटोपियन स्कीम की, काल्पनिक योजना। जैसे गांव का है, गांव में सड़क
पक्का सड़क रहे, सब जगह सफाई रहे, अस्पताल रहे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे रहे, पानी की व्यवस्था रहे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे, स्कूल्स रहे, सभी घर एक ही जैसे बने हो, सबकी पेंटिंग एक ही जैसी हो, और कहीं कोई विवाद ना रहे, बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे, एकदम सुंदर सा एक घर गांव रहे, ऐसा गांव पॉसिबल नहीं है, बना ही नहीं आज तक। तो क्या कहा गया कि परफेक्ट योजना तो बनी, लेकिन उस योजना के अनुसार कोई भी काम हो नहीं पाया, तो इसको काल्पनिक कर दिया गया कि काल्पनिक ही होता है, क्योंकि तो फुलफिल होता ही नहीं है, पूरा होता ही नहीं है। तो ऐसे ही यूटोपियन स्कीम्स, कुछ स्कीम्स होती हैं जो कहती हैं गरीबी हटा देंगे, उस तरह के स्कीम्स की बात कर रहे हैं। यूटोपियन स्कीम्स विल नॉट एलिमिनेट पॉवर्टी, काल्पनिक योजनाएं गरीबी खत्म नहीं करेंगी, हाँ प्रैक्टिकल योजनाएं करेंगे गरीबी खत्म। गरीबी खत्म कैसे करना, जैसे अभी चल रहा था कि सबको, सारे लोगों को खाते में कुछ रुपए 3,000-6,000 हम एवरी मंथ दे देंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, यह क्या कहलाएगी, यह यूटोपियन स्कीम कहलाएगी मेरे अनुसार। क्योंकि लोग गरीबी कब कम कम होगी, जब वो मेहनत करना शुरू करेंगे, उनके मेहनत के अनुसार उनको पैसा मिलेगा, उनको अवसर रहेगा, तब गरीबी इन रियलिटी खत्म होगी। सबके खाते में 6,000 रुपये हर महीना डाल देने से गरीबी खत्म हो जाएगी, यह कहना एक यूटोपियन स्कीम है, काल्पनिक योजना है। वो तो आलसी हो जाएंगे, वैसे ही 6,000 मिलेगा, वो भी कम पड़ेगा उनको। नाउ थ्री आर्स का बता दिया। थ्री आर्स में रीड राइट अरिथमेटिक होता है, इसका होता है पढ़ना लिखना, इसको मतलब समझते हैं हम। यह एक इडियम है, रीड राइट अरिथमेटिक थ्री आर्स का मतलब, और पढ़ना लिखना हिंदी ध्यान रखना है हमें। आप जब भी कोई ऐसे लिखेंगे शिक्षा के बेस पे लिटरेसी वाला, तो वहाँ पे थ्री आर्ट्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, अधिकतर गांव वाले डू नॉट नो, नहीं जानते हैं थ्री आर्ट्स, पढ़ना लिखना, ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पढ़ना लिखना उन्हें नहीं आता है मोस्ट ऑफ विलेजर्स को, राइट। नाउ दैट लास्ट इज हसल बसल, हसल बसल समझा दिया, धक्का मुक्का, बहुत भीड़ होती है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग धक्का देते हैं, आप भी कुछ को धक्का देते हैं, इतनी भीड़ होती है मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में भीड़ देखने को मिलती है, इसी को यूज किया है। देयर इज ऑलवेज हसल बसल इन दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में हमेशा धक्का मुक्का होता है। ये हो गया इडियम्स फ्रेजेज 5। फिर से एक बार फटाफट, व्हाइट कलर पीपल हिंदी होती है, ऑफिस में बैठ कर काम करने वाले सफेद पोस्ट लोग। दूसरा आप टू मार्क योग्यता के अनुरूप, तीसरा यूटोपियन स्कीम काल्पनिक योजना, थ्री आर्ट्स पढ़ना लिखना, हसल बसल धक्का मुक्का। थैंक यू वेरी मच।